हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, यानी कि जो बिटवाइज का आपके पास एक ऑपरेटर है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एक्सऑर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या है, ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले। तो देखते हैं आखिर ये ऑपरेटर क्या है और ये क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है वो इसको एक्सऑर भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, तो इसको देखिए, द रिजल्ट ऑफ एक्सऑर इज वन। ठीक है, कब होगा वन, जब टू बाइट्स जो है, ठीक है, वो दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अगर सेम होगी तो जीरो कर देगा, वन कब होगी, जब दोनों डिफरेंट होगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं समझाने के लिए क्या करता है, एक प्रोग्राम बनाता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो मैं जाके लिखता हूँ इंटीजर मेन। ठीक है, इंटीजर मेन, मेन प्रोग्राम या मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे शुरू किया है, लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न जीरो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर काम क्या कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ तीन वेरिएबल्स लेने वाला हूँ, ए बी और सी। अच्छा, ए की वैल्यू जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैं 10 ले लेता हूँ, और फ्रेंड्स इसी टाइप से बी की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज 7। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल्स टू ए कैरेट बी। ठीक है, ए एक्स और बी ये लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सी में कहीं कुछ वैल्यू आ चुकी होगी, तो उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करके देखना है आखिर क्या वैल्यू आई है। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ सी इज क्या है, परसेंटेज डी। और फ्रेंड्स उसके बाद में क्या कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं कॉलम डाल के इसको सेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स डबल कोट्स के बाहर आकर के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ सी, बस मुझे इसको प्रिंट करना है। तो इसकी वैल्यू प्रिंट क्या होगी वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10 की जो बाइनरी वो क्या होती है, 1010। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स 7 की जो बाइनरी वो आपके पास होती है 0111। तो अब ये क्या करेगा, जो डिफरेंस है आपके पास, बस उसकी वैल्यू यहाँ पर वो जो है वन कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देखता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 0 इसको क्या कर देगा 1, उसके बाद 01 तो अभी कर देगा 1, 11 को कर देगा ये 0 और 01 को ये क्या कर देगा फिर से 1। तो ये जो अब आपके पास बाइनरी है, किसकी बाइनरी है, वो आपका फाइनल रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स ये किसकी बाइनरी है, तो हम लोग कह सकते हैं 1 2 4 8 8 4 12 और 1 13। तो फ्रेंड्स ये जो बाइनरी आपके पास वो किसकी है, 13 की। तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आने वाला है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। तो फ्रेंड्स मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखेंगे आप इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, 13। ठीक है, तो 13 क्यों आया है हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ही क्या कर रहा है, देखिए 1 और 1 अगर आपके पास कॉमन हो गया तो 0 कर देगा, ऐसी 0 और 0 अगर हो गया तो भी 0 कर देगा। बाकी जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ 01 है, 01 है, 10 है, तो वहाँ वहाँ पे क्या कर दिया इसने, 11 कर दिया, और जहाँ पे 11 या 00 होगा तो उस जगह वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने जो डिस्कस किया आज वो क्या है, एक्सऑर ऑपरेटर। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड्स आगे के वीडियो में हम लोग और अलग अलग टाइप के ऑपरेटर और अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।